वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव में मुद्दा ये था कि जो मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों में चुनाव करा रही है वो एक्स्ट्रा रूल मतलब संविधान के अनुसार चुनाव के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। भारत के संविधान में पंचायत राज एक्ट जो तो लिखा हुआ है कि हर 5 साल में रोटेशन के आधार पर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी तरीके से और अधिकार क्षेत्र से बाहर उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और उन्होंने कहा कि ये हम रोटेशन की पद्धति को 5 साल के लिए स्थगित और कर रहे हैं और अब 5 साल के बाद जो रोटेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे और मनमाने तरीके से आरक्षण कर दिया। जबकि भारत के संविधान में छेड़छाड़ का अधिकार केवल भारतीय संसद को है, किसी राज्य की विधानसभा को नहीं, इसलिए इनका ये अध्यादेश जो है गैर कानूनी है, उसके खिलाफ माननीय विवेक तंत्रा जो हमारे राज्यसभा के सांसद है सामने सुनाई के, वो पहले हाईकोर्ट गए विधिवत तरीके से, जब हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं करी तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि आप कल सुनवाई करें और इस पर एज पर रूल एज पर संविधान आप जो है इसमें निर्णय लें, लेकिन हाईकोर्ट ने तारीख बहुत लंबी दे दी, इसके विरोध में विवेक तंत्रा जी फिर वहां पहुंचे कि आरक्षण की प्रक्रिया दूषित है, आरक्षण की प्रक्रिया दूषित है, इसलिए इसको आपको तत्काल सुनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन लिखी है कि एच पर संविधान आप चुनाव कराएं और अगर कोई इसके विपरीत चुनाव कराता है तो हम जो है ऐसे निर्देश देते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि फिर सारा जोर निर्णय जो है कांग्रेस का हो, कांग्रेस का निर्णय। आज हम स्पष्टीकरण देने के लिए आए हैं कि हमारे सांसद और वकील वरिष्ठ वकील जो दिलीप संघा जी हैं, उनने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और मिल तो हम आपसे 10 करोड़ के मानहानि के दावा पेश करने जा रहे हैं हाईकोर्ट। तो उसी बात के ऊपर हम लोग ये कर रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों की करता है तो उसके खिलाफ है दूसरी बात यह है।